राजा वल्लभ सेन जी के घर बालक अग्रसेन का जन्म होता है। बालक अग्रसेन की कुंडली देखकर ज्योतिषी ऐलान करते हैं कि ये बालक परम प्रतापी प्रजा बालक महान शासक बनेगा और इसका कुल इसके नाम से जाना जाएगा। विवाह योग्य होने पर महाराजा अग्रसेन जी का विवाह नागराज की अनिंद्य सुंदरी पुत्री माधवी से होता है, जिसके कारण देवराज इंद्र उन पर कुपित होकर उनके राज्य प्रताप नगर में कई वर्षों तक बरसात नहीं करवाते हैं। इस समस्या से चिंतित महाराजा अग्रसेन जी को उनकी विदुषी महारानी माधवी ने सलाह दी कि यह समय चिंतित होने का नहीं बल्कि पुरुषार्थ करने का है, जिससे प्रेरित होकर महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रोहा धाम बसाया और नदियों के पानी को नहर मार्ग से नगर तक ले आए। अग्रोहा में अपने महान शासन काल में निर्धन लोगों को विवशतावश अपराधी बनते देखकर महाराजा अग्रसेन जी ने एक रुपया एक ईंट की महान समाजवादी युक्ति दी, जिसके अनुसार सभी समृद्ध व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों को एक रुपया और एक ईंट देकर उनकी सहायता करते थे। इसके लिए 18 मुनियों से 18 यज्ञ करवाए गए और इन्हीं 18 मुनियों के नाम पर हमारे 18 गोत्रों का नामकरण हुआ है। वृद्ध होने पर महाराजा अग्रसेन जी ने सन्यासी जीवन अपनाकर महालक्ष्मी देवी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अपने संपूर्ण अग्रकुल के लिए आजीवन समृद्धि का वरदान पाया। आदि काल में महिषासुर नामक एक बहुत ही बलशाली और भयानक राक्षस था। जिसने अपनी कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था कि तीनों लोकों में किसी भी पुरुष के हाथों उसकी मृत्यु ना हो। महिषासुर की भी धारणा थी कि नारी कमजोर होती है और वो किसी पुरुष को नहीं मार सकती, अतः नारी जाति से महिषासुर को कोई भय नहीं है। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर महिषासुर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। Thank you.
इस निर्जन स्थान में आप अकेली? मैं दुर्गा आदिशक्ति दुर्गा। ओहो, तो तू दुर्गा है। देवताओं का मानना है कि तू मेरी मृत्यु का कारण है। नहीं नहीं, मैं तेरी मृत्यु का मात्र कारण नहीं, अपितु स्वयं तेरी मृत्यु हूँ। तू एक नारी जो कोमल और सौम्य है, वो मेरी मृत्यु। तुझे तो मैं फूंक दूं तो उड़ जाए, एक कली की कोमल पंखुड़ी के समान है तू। मूर्ख महिषासुर सावधान। बच्चों के द्वारा मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्री विजेंद्र गोयल जी, श्री अमित गोयल जी, हमारे पूर्व सचिव श्री राकेश गर्ग जी, श्री योधराज जी बंसल और श्री रविंदर बंसल जी, वो कृपया मंच पर आए और इस स्कूल के अध्यापक गण भी वो मंच पर आए इन बच्चों को पारितोषिक देने के लिए। और इन बच्चों की इस प्रस्तुति के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री संदीप गर्ग जी 1100 रुपए का पारितोषिक इन बच्चों को भेंट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। हमारे इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री विजेंद्र गोयल जी इन बच्चों की प्रस्तुति से खुश होकर के उनको 5100 रुपए भेंट कर रहे हैं। उनका इन बच्चों की ओर से, इन स्कूल की ओर से और हमारी ओर से बहुत बहुत आभार। कृपया सभी यहाँ पर बच्चों के साथ खड़े हो जाएं।